तो टेक्नोलॉजी में पहला जो अपडेट निकल के आया उसमें कुछ है जामी 15 प्रो, उसमें क्वालिटी का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, हुई आपको 2K रेजोल्यूशन दिया गया, प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 SoC दिया गया, बैटरी आपको 5400 इमेज का दिया गया, 100 वाट का वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये अपडेट निकल के आया जामी की तरफ से। तो दूसरा जो अपडेट निकल के आया उसमें कुछ वन प्लस नॉट 4 इसमें का है 6.74 इंच आपको OLED डिस्प्ले हुई आपको 120 GHz रिफ्रेश रेट दिया गया, प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 SoC दिया गया, रियर कैमरा आपको 50+8 MP का दिया गया, फ्रंट कैमरा 16 MP का दिया गया, 100 वाट का वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बैटरी आपको 5500 mAh का दिया गया। ये अपडेट निकल के आया वन प्लस की तरफ से। तो तीसरा जो अपडेट निकल के आया उसमें वन प्लस 13 क्वालिटी अपडेट निकल के एमोलेड डिस्प्ले दिया गया, 1.5 के रेजोल्यूशन दिया गया, प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 SoC दिया गया, बैटरी आपको 6000 mAh का दिया गया, आपको रियर कैमरा 50 MP का दिया गया। अपडेट निकल के आया वन प्लस की तरफ से। तो चौथा जो अपडेट निकल के आया उसमें सैमसंग गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा इसमें क्वालिटी निकल गया, बैटरी आपको 590 mAh का दिया गया, सपोर्ट आपको ई सिम कनेक्टिविटी दिया गया, GPS एंड्रॉइड नेविगेशन सपोर्ट मिलता है। ये अपडेट निकल के आया सैमसंग की तरफ से।